हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जॉब की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बता दूँ, कई सारे ऐसे स्टाफ की जो वैकेंसियाँ हैं वो निकाली गई हैं। हाँ दोस्तों, डिफरेंट टाइप की जो वैकेंसियाँ हैं वो निकाली गई हैं अलग अलग स्टाफ में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उनकी जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से उनके लिए अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है, और आपको इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अप्लाई करने में। आपको आसानी से अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी ही आईडी के नाम से ऐसे काफ़ी सारी जो फेक आईडी हैं, जो काफ़ी लोग कहते हैं हम जो नंबर पर कॉल करने को बोलते हैं और कहते हैं हम ओरिजिनल हैं, तो वो दोस्तों मैं आपको बता दूं फेक आईडी हैं। जो कमेंट बॉक्स में हम आपको कोई भी ऐसी नंबर नहीं सेंड करेंगे अपना, तो आपको बता दूं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में किसी से नंबर पर कॉल ना करें। बहुत मैं आपको बता दूं फेक आईडी हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं जॉब के लिए, तो बिल्कुल भी कॉल ना करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जॉब के बारे में। तो ये जॉब आपको बता दूँ दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्टाफ में बता दूँ दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकाली गई है जॉब वैकेंसी काफ़ी बड़े लेवल पे, तो आप इनके लिए जल्दी जल्दी अप्लाई जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी बता दूँ किस तरीके की निकाली गई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि केयर टेकर दोस्तों, हाँ जो पेशेंट्स आते हैं उनका ध्यान रखने के लिए दोस्तों काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाली गई हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई, जैसे कि वार्ड बॉय की और नर्सेस की। हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही बड़े लेवल पर निकालेंगे, आप इनके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। और इस सबसे बड़ी बात है, इसमें आपकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी गई दोस्तों, बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई मांगी गई है, इसमें आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई इसमें मांगी गई है। इसमें सिर्फ आपकी 8वीं और 10वीं पास मांगा गया है। हाँ दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, और 8वीं पास कर लिए फिर भी आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपके ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं और आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल होगी तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपकी कम से कम एज है वो 18 साल होना आपकी कंपलसरी है। और सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्म के लिंक के बारे में बता दूँ, कहाँ पर जाकर आपको फॉर्म का लिंक है वो मिलेगा, और आपकी एज वेरीफाई करने के लिए इसमें डॉक्यूमेंट है वो भी आपका लगेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसका जो फॉर्म का लिंक है आपको मिलेगा गूगल पर सर्च करने पर, हेल्प एंड रोजगार। हाँ दोस्तों, हेल्प एंड रोजगार आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको नंबर वन पर वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी इसके फॉर्म के लिंक को आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी एज वेरीफाई करने के लिए आपको इसमें अपना आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना पड़ेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है, काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी अस्पताल से निकाली गई हैं, तो आप इनके लिए बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर करें। और मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारी जानकारी दे ही चुका हूँ दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, जिससे वो भी अप्लाई करवाएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से अप्लाई कर पाएँ दोस्तों जॉब के लिए।